say hi to these cute little brinjals, also called as eggplant. So cute. हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी स्वीकार कीजिए। तो चलिए, आज मैं बहुत अच्छे से एक वेजिटेबल प्लांट की बात करने आपके साथ आई हूँ, जो कि सबको बहुत ही पसंद है, जिसका नाम है ब्रिंजल और उसको एग प्लांट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसको दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह से मैंने उसको अपनी ही छत पे उगाने का प्रयत्न कर रही हूँ, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। देखिए, जो मैंने पॉटिंग मिक्स लिया है, पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ कि इसकी पॉटिंग मिक्स में मैं हमेशा की तरह मैंने कोकोपीट लिया है और कंपोस्ट लिया है, परलाइट लिया है और वर्मोकोलाइट लिया है, इसका पॉटिंग मिक्स बनाया। और कंपोस्ट जो है वो मैं अपने घर पे ही अपने किचन वेस्ट से जो पील्स निकलते हैं उससे बनाती हूँ, वो कंपोस्ट। आप कोई भी और भी कंपोस्ट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास अभी कंपोस्ट नहीं है तो आप अपनी कोकोपीट है तो कोकोपीट में भी आप इसको बीज डाल सकते हैं। और उसके लिए भी आपको कोई पॉट कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है बहुत परेशान होने के लिए। आपके पास अगर कोई डिस्पोजेबल बर्तन हो, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ सीड ही लगाना है, जब ये प्लांट में परिवर्तित होगा तब आपको बड़ा पॉट चाहिए उसको चेंज करने के लिए। अभी अगर आपके पास डिस्पोजेबल वगैरह कुछ हो तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी गार्डनिंग को, अपनी सब्जियों को घर में उगाने के लिए शुरू कर सकें। तो देखिए, ये मेरा पॉटिंग मिक्स है, इसको मैंने, ये देखिए, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। अब मिक्स करके मैंने तो इसको गीला भी कर रखा है, अच्छे से ये वेट है। तो मुझे करना क्या है, सिर्फ ये देखिए, इसके ये देखिए, ये बीज हैं ब्रिंजल के, तो काफी सारे बीज हैं, मैं इसको डाल दूंगी, क्योंकि थोड़े से ज्यादा ही डालने में बेटर रहता है, कि पता नहीं है कितने ग्रो करें कितने नहीं करें। तो आप इस तरह से इन्हीं को ही ऊपर थोड़ी सी इसकी लेयर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो ऊपर से आप पॉटिंग मिक्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर दीजिए, गीला है, इसको पानी देने की भी आपको अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, और मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स में से अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी दे दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। देखिए, 14 डेज के बाद आप देख पा रहे होंगे, देखिए जो हमने बीज डाले थे 14 to 15 डेज में, देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ, देखिए कितनी प्यारी ग्रोथ जहां जहां पे। अभी कुछ ऐसे भी सीड्स होंगे जो कि अभी ग्रो नहीं किए होंगे, कुछ थोड़े दिन बाद करते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी ग्रोथ, बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हुई, और काफी मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑलमोस्ट 20 के आसपास तो ग्रो कर गए हैं। तो मैंने भी इतने ही 20-25 के आसपास जो सीड्स थे वो डाले थे। और देखिए, मेरा पास में मेरा एक पुराना वॉश बेसिन पड़ा था, उसमें भी मैंने पुदीना उगा रखा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है पुदीना। देखिए, ये सारा मेरा ऑर्गेनिक है, सॉइललेस सी रहता है, इसमें मैं मिट्टी नहीं डालती हूँ, कोकोपीट और कंपोस्ट में ही करती हूँ। तो देखिए, ये अच्छे से अब आ गए। अब मैं थोड़े से इनको क्या करूंगी कि जब थोड़े से ये और बड़े हो जाएंगे सैपलिंग्स, तो मैं इनको एक एक को अलग अलग एक एक पॉट में कर दूंगी, क्योंकि उसमें उसकी ग्रोथ या 12 इंचेस का पॉट हो या 14 इंचेस का पॉट हो, तो जो भी मेरे पास उस टाइम अवेलेबल होगा, एक अगर हम एक डालते हैं तो 12 इंचेस में एक डाल सकते हैं हम लोग, 10 इंचेस में भी चलेगा, और 14 इंचेस का अगर पॉट हो तो उसमें हम दो भी डाल सकते हैं, दो भी चल जाते हैं। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो मेरे पास कौन से पॉट्स अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से मैं इसको डालूंगी और फिर से आपसे मिलूंगी, फिर दिखाऊंगी जब मेरे प्लांट्स पूरी तरह से ग्रो हो जाएंगे और मेरे को ब्रिंजल, जिसको कि एग प्लांट कहा जाता है, वो मिलेगा, तो मैं जरूर आपसे फिर से आऊंगी आपसे शेयर करने के लिए। तो चलिए, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं, और देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे ब्रिंजल, मैंने इनको अलग अलग पॉट्स में कर लिया था। देखिए, अभी इस वाले में तो है नहीं, देखिए इसका फ्लावर, देखिए इसका फ्लावर तो आए हुए हैं, मैं और दिखाती हूँ आपको। चलिए, मैंने सभी को अलग अलग पॉट्स में कर लिया था, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। देखिए कितना सुंदर सा मेरा ब्रिंजल, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल हार्वेस्ट करने के लायक हो चुका है,
देखिए इस ये भी ब्रिंजल का है, इसमें ओहो देखिए इसमें तो मुझे लग रहा है कि थोड़े अटैक भी हो गया है, तो इनको तो क्लियर करना पड़ेगा। ओहो ये तो मुझे अभी दिखाई दिया, तो ये भी तो कीड़ों ने अटैक किया। ओह देखिए ये एक और मेरा छोटा सा टमाटर का भी था साथ में, ये भी लगा हुआ है, ये भी टमाटर भी आ रहा है, और इसमें तो है नहीं ब्रिंजल। चलते हैं किस किस में आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद तो इसमें भी नहीं आया, तो इसमें ओ क्यूट वन, ये देखिए इसमें आ गया ब्रिंजल। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ब्रिंजल एग प्लांट, ये देखिए इसमें भी आ गया। ये देखिए छोटा सा है, ये देखिए और इसकी फ्लावर्स देखिए, देखिए इसमें भी एक प्लांट आया हुआ है, और ये देखिए ये भी है ब्रिंजल का। वैसे इस ब्रिंजल को ऑबर्जिन भी कहा जाता है कुछ कंट्रीज में, ये पर्पल भी आते हैं व्हाइट भी आते हैं इसको, वैसे कई कंट्रीज में कई कल्चर्स में तो इसको किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत वर्सेटाइल प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, बहुत वर्सेटाइल है। और जहां तक इसकी हम सॉइल की बात कर लें, तो इसकी जो सॉइल है आप इसको किसी भी सॉइल में बस कंपोस्ट मिला दीजिए, अगर कोकोपीट हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नीम खली जरूर डाल दीजिएगा ताकि कोई इंसेक्ट्स का अटैक नहीं हो। और इसकी जहां तक लाइट की बात करते हैं तो देखिए इसको इसमें तो नहीं आया ब्रिंजल, साथ साथ में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी सारे इसके देखिए, ये देखिए यहाँ पे फूल भी बन गया है, ये देख पा रहे होंगे आप। और इसकी जहां तक लाइट की बात करें तो इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, इसको शेडी में रखेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। और वाटर के मामले में तो इसको बिल्कुल देखिए कितना मॉइस्ट रखा हुआ है मैंने, देखिए इसको बिल्कुल मॉइस्ट चाहिए सॉइल। और ये देखिए वाटरिंग जब आप, ये देखिए यहाँ भी आया हुआ है ब्रिंजल, इसको सॉग लेकिन मॉइस्ट तो रखिए लेकिन सॉगी मत रखिएगा बिल्कुल भी। और क्योंकि ये प्लांट जो है ये बहुत हैवी फीडर है, तो इसको जब मैंने इसको इसमें लगाया तो इसको हैवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर शुरू में ही दे दीजिए। देखिए इसमें भी आया हुआ है, देखिए इसमें भी, देखिए इसमें भी आया हुआ है, और इधर भी देखिए फूल भी बने हुए हैं, ये देखिए इसमें भी आ जाएगा। तो इसको जो डोज है जब हम इसको प्लांट कर रहे हैं इसमें अलग से पॉट में, तभी इसको हमें गुड डोज दे देनी चाहिए फर्टिलाइजर्स की। अगर किसी को लाइम मिले, क्योंकि इसको कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर आपको लाइम मिले तो लाइम ऐड कर दीजिए, अदरवाइज नहीं तो एक महीने में एक बार भी आप फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो भी चलेगा। और प्लांटिंग करते वक्त जब इसकी सैपलिंग्स को आप अलग से पॉट में करें तब अच्छे से फर्टिलाइजर इसको दे दीजिए। और इसकी प्रोपेगेशन तो सीड से ही होती है, वो तो मैंने आपको करके दिखाई है। हाँ एक इसका यूज बहुत अच्छा है एग प्लांट का, ब्रिंजल का, कि ये लो कैलोरी वेजिटेबल प्लांट है और हेल्दी इसका जो प्रोफाइल रहता है न्यूट्रिशन प्रोफाइल बहुत हेल्दी रहता है। तो अगर आप अपना वेट वगैरह कम करना चाहते हैं तो भी ब्रिंजल खाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ ही आप घर पे भी उगा लेंगे, सॉइल लेस खेती भी कर सकते हैं आप अपने घर में ही, फार्मिंग अपनी छत पे ही सॉइल लेस आप बिना केमिकल्स का ब्रिंजल बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और तो और इसकी हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग इसकी बस बहुत ध्यान से करनी चाहिए, अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग ध्यान से नहीं करेंगे तो भी ये प्लांट खराब हो सकता है। अगर आप कहें तो मैं एक अच्छा सा आपको कोई ब्रिंजल जो कि काफी अच्छा ग्रो कर गया है वो वाला है वो कोने वाला, तो मैं उसकी आपको हार्वेस्टिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से हमें हार्वेस्टिंग करनी है, देखिए सीजर की मदद से नीचे से प्लांट को पकड़ के ब्रिंजल को पकड़ के, और देखिए इस तरह से बहुत ध्यान से हार्वेस्टिंग करनी है, खींचाता नहीं करनी, नहीं तो हमारा ये देखिए बहुत ही अच्छा प्लांट ब्रिंजल हमारा, और अगर हम थोड़ा सा भी इसको खींचेंगे तो हमारा प्लांट भी देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो और भी इसमें, वैसे मैं इसमें 2 बार पहले भी, आज इसमें कम मैं ब्रिंजल दिखा पा रही हूँ, ये फर्स्ट मेरी खेती में, इसमें 2 बार पहले भी ब्रिंजल ले चुकी हूँ, तो आते जा रहे हैं ब्रिंजल, जैसे ही 2-3 आ जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ इसके ब्रिंजल्स, क्योंकि ब्रिंजल्स तो ऐसे कई तरह से कई सब्जियों के साथ बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आपको अपना सहजन का पेड़ भी दिखाऊंगी जिसको कि ड्रम स्टिक्स कहते हैं,
तो इस टाइम सहजन भी बहुत ड्रमस्टिक्स आई हुई हैं, तो आलू बैंगन और सहजन मिला के खाने में भी बहुत ही स्वाद बनता है सब्जी, तो हम लोग काफ़ी इसको हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी, बहुत इजी मेथड है, बड़े इजीली आ जाएगी, कोई ज़्यादा इसको केयर भी नहीं मांगता, वर्सेटाइल तो है ही है और इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस थोड़ा सा हाँ इंसेक्ट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने भी दिखाया एक पेड़ में आ गया, तो मुझे भी अब देखना पड़ेगा अच्छे से। तो आप भी इसको बड़ी इजीली अपने घर में ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी आपसे, फिर से बात करूंगी। अगर कोई आप स्पेशल कोई ऐसी चीज चाहते हो, मैंने काफी सारी सब्जियां उगाई हुई हैं, फ्रूट्स भी मेरे कई आ गए हैं पॉट्स में, लेकिन मैं दिखाने का मन तो करता है मैं सब कुछ दिखा दूं एक साथ, लेकिन वो तो एक एक करके ही पाएगा। अगर आपकी कोई अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो या कोई स्पेशल आप किसी वेजिटेबल या फ्रूट का जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर मैंने उसके ऊपर कुछ वर्कआउट किया होगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स।